लुधियाना दे एसएसपी नू, जिस तो बाद एमएलए सरबजीत कौर माणूके दी सफाई आई है। उन्होंने इस मामले ते सफाई दिती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी दी कोई कोठी नहीं दबी, मैनू बदनाम करन दी साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि दो धिरां दी आपसी लड़ाई है ते मेरा इस दे विच कोई रोल नहीं है। एनआरआई ने कोठी दबन दी पुलिस दे कोल शिकायत दिती हुई है और एमएलए सरबजीत कौर माणूके दा नाम लिखा है, जिस ते हुण एमएलए ने अपना स्पष्टीकरण दिता है, अपनी सफाई दिती है। उन्होंने कहा है कि मेरा इस कोठी नाल कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी तरह का कोई कब्जा है। उन्होंने कहा कि मैं दो धिरां दी यह लड़ाई है और दो धिरां दी आपसी लड़ाई जायदाद नूं लैके चल रही है, मेरा उस दे विच कोई रोल नहीं है। जगराओं दे विच एनआरआई की कोठी है जिसनों लैके शिकायत दी गई है लुधियाणा देहाती दे एसएसपी नूं, और एसएसपी ने अगे एसपीडी नूं इसकी जांच करन दे निर्देश दिते ने। की कुछ कहा है एमएलए सरबजीत कौर माणूके ने, सुन लेंदे हां। मैं अज अपना एक पक्ष पेश करना चाहनी, 2 महीने पहला मैं एक कोठी किराए ते ले सी, जिसका किरायानामा मैं लीगली तौर पर प्रॉपर लिखिया। नाल दी नाल ही मैं उस बंदे तो गुड फेथ दे विच कोठी च रहना शुरू किया, पर 2 दिनों तो एक लेडी ने आके कंप्लेट की कि कोठी मेरी। सोशल मीडिया राही मैनू खबरों तो पता लग गया, मैं खुद इस गल की वेरीफाई कर ली, एसएसपी साहब को एक कंप्लेट दिती भी मैं जिस तो किराए ते लई आ कोठी, तो जिस दे नाल जिहड़ी लेडी कोई इल्जाम लगा रही है, दोनों के विचों एक गल तां कृपा करके वेरीफाई करके दसो, दोनों चो किहड़ा मालक सही है। मैं उसनू बनदा उहदा हक ते चाबियां देण नू तैयार हाँ, पर जिहड़ा कोई दोषी पाया गया मेरी सियासी इमेज नू ढा लाउण दी कोशिश कर रहा उस ते परचा करो। बहुत बहुत ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ इमेज नूं ढा ना लावे, साडी इमेज नूं खराब करन दी कोशिश ना करे। ये गल सरबजीत कौर माणूके वल्लों कही गई है। रौला एक कोठी दा, एक महिला ने बकायदा लिखती शिकायत दिती है, सरबजीत कौर माणूके दा नाम लिखा है। उन्होंने कहा है कि साडी कोठी ते धक्के नाल कब्जा किया होया, पर एमएलए माणूके कह रहे हैं कि असी कोठी किराए ते लई है और एक व्यक्ति तो लई है, उस व्यक्ति का अगे जायदाद का रौला है, साडा इस दे विच कोई रोल नहीं है। ये गल सरबजीत कौर माणूके कह रहे हैं। महिला ने यह भी गल कही है अपने भेजी ईमेल दे विच के माणूके दी शह ते कुछ लोगों वालों उन्होंने धमकियां दित्तियां जा रही ने, यह गल भी उन्होंने अपनी शिकायत च कही। सो काफ़ी उलझा मामला है। एमएलए माणूके सामने आए ने अपनी सफाई दे विच, उन्होंने कहा है कि मेरा इस मामले दे नाल कोई लेना देना नहीं, पर ये चिट्ठी सामने आने तो बाद एसएसपी नूं शिकायत दित्ती जाण तो बाद एक विवाद जरूर खड़ा हो गया, क्योंकि मामला एक मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के विधायक के नाल जुड़िया हुआ। मैं उसनू बनदा उहदा हक ते चाबियां देण नू तैयार हाँ, पर जिहड़ा कोई दोषी पाया गया मेरी सियासी इमेज नू ढा लाउण दी कोशिश कर रहा उस ते परचा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मैं सरबजीत कौर माणूके, मैं अज अपना एक पक्ष पेश करना चाहनी कि 2 महीने पहला मैं एक कोठी किराए ते लई सी, जिसका किरायानामा मैं लीगली तौर पर प्रॉपर लिखिया। नाल दी नाल ही मैं उस बंदे तो गुड फेथ दे विच कोठी च रहना शुरू किया, पर 2 दिनों तो एक लेडी ने आके कंप्लेट की कि कोठी मेरी। सोशल मीडिया राही मैनू खबरों तो पता लग गया, मैं खुद इस गल की वेरीफाई कर ली, एसएसपी साहब को एक कंप्लेट दिती भी मैं जिस तो किराए ते लई आ कोठी, तो जिस दे नाल जिहड़ी लेडी कोई इल्जाम लगा रही है, दोनों के विचों एक गल